दोस्तों, जब भी हम हिंदी सिनेमा की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले हिंदी सिनेमा की खूबसूरत अभिनेत्रियों की याद आती है, जिन्होंने अपनी अदाओं, एक्टिंग और खूबसूरती से हिंदी सिनेमा में अपना अलग मुकाम बनाया, साथ ही दर्शकों का दिल भी जीता। इन्हीं अभिनेत्रियों में से एक हैं योगिता बाली, जिन्होंने हिंदी सिनेमा में अपना काफी योगदान दिया है, साथ ही कई बेहतरीन और यादगार फिल्में दी हैं, जिनमें ये अपनी एक्टिंग और अदाओं का जलवा दिखाती नजर आई, जो कि दर्शकों को काफी पसंद आया। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हिंदी सिनेमा की खूबसूरत अभिनेत्री योगिता बाली, जो अपनी फिल्मों में बेहद सुंदर नजर आती थी, आज इतने सालों बाद कहाँ हैं, क्या करती हैं और कैसी दिखती हैं? अगर नहीं तो फिक्र ना करें, आज की इस वीडियो में हम आपको हिंदी सिनेमा की खूबसूरत अभिनेत्री योगिता बाली के आज के हालात के बारे में बताएंगे। अगर आप भी इनके आज के बारे में जानना चाहते हैं तो बस बने रहें वीडियो के अंत तक, साथ ही इस अभिनेत्री के लिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें। खूबसूरत अभिनेत्री योगिता बाली का जन्म हुआ 13 अगस्त 1952 को मुंबई में, जिसके चलते इन्होंने सारी पढ़ाई यहीं से की। बात करें इनके एक्टिंग करियर की तो करियर की शुरुआत हुई साल 1971 की फिल्म परवाना से, जिसमें ये आशा वर्मा के किरदार में नजर आई, जिसमें इनकी एक्टिंग को काफी पसंद किया गया, जिससे इम्प्रेस होकर कई फिल्म मेकर्स ने इन्हें फिल्मों के ऑफर दिए। गजब की बात तो ये थी कि इसी साल 1971 में इन्हें 4 फिल्में ऑफर हुई, जिनमें गंगा तेरा पानी अमृत, मेम साहब, मेरे अपने और पर्दे के पीछे जैसी फिल्में शामिल हैं, जिनमें इन्होंने अलग अलग तरह के किरदार निभाकर काफी नाम कमाया। जिसके बाद तो इनकी लाइफ में फिल्मों की लाइन लग गई, क्योंकि ये उस साल के बाद कई फिल्मों में नजर आई, जिनमें बुनियाद, सजा, जमीन आसमान, निर्दोष, बनारसी बाबू और गद्दार जैसी फिल्में शामिल हैं। आपको बता दें, इन्हें आखिरी बार साल 1989 की फिल्म आखिरी बदला में देखा गया, जिसके बाद से ये फिल्मों से काफी दूर हैं। अब बात करते हैं इन बीते सालों में इनके लुक में आए बदलाव की, तो अपनी फिल्मों में ये बेहद मॉडर्न लुक में नजर आती हैं। अपनी फिल्मों में मेकअप किए मॉडर्न ड्रेस यानी वन पीस, पैंट शर्ट और लॉन्ग ड्रेस विद डीप नेक में स्लिम और खुले बालों के साथ बेहद खूबसूरत नजर आती थी। बात करें इनके आज के लुक की तो ये काफी बदल गई है, जहाँ पहले से काफी स्लिम और सुंदर नजर आती थी, वहीं आज ये काफी मोटी और बूढ़ी दिखती हैं। इनके चेहरे पर पहले जैसा नूर भी नहीं है, बल्कि चेहरे पर झुर्रियाँ दिखती हैं। साथ ही पहले ये काफी मॉडर्न ड्रेस पहने बेहद बोल्ड दिखती थीं, वहीं आज ये एक सिंपल साड़ी पहने एक आम सी लेडी जैसी नजर आती हैं। जैसा कि आप इनकी पहले की और अब की तस्वीरों में फर्क देख सकते हैं। लुक के बाद बात करते हैं इनकी निजी जिंदगी की, तो इन्होंने साल 1976 में हिंदी सिनेमा के मशहूर सिंगर किशोर कुमार से शादी की, पर साल 1978 में दोनों का डिवोर्स हो गया, क्योंकि योगिता बाली ने बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता मिथुन से प्यार कर लिया, जिसके चलते इन्होंने किशोर से डिवोर्स लेकर उसी साल यानी 1978 में मिथुन से शादी कर ली, जिससे इन्हें 4 बच्चे हैं, जिनमें 3 लड़के महाक्षय, उसमें नमाशी और एक लड़की दिशानी है, जिनके साथ आज ये अपने करियर को विराम देकर खुशहाल जीवन जी रही हैं। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा हिंदी सिनेमा की खूबसूरत अभिनेत्री योगिता बाली के आज से रूबरू होकर? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।